Assalamu alaikum, dear students. I do hope that you people are fine and enjoying good health. जी तो students, basically आज हम जो करने जा रहे हैं that is a discussion of MDCAT topic test 9 of English. तो जल्दी से इसको discuss कर लेते हैं जी. सबसे पहले 96 को देखें तो हमारे पास जो answer बनना था that was delta D. और उसकी reason क्या है? उसकी reason है कि देखो a turtle differs from all other reptiles in that it has its body encased in a protective shell of. गौर करो हमारा subject turtle है तो in a protective shell of their own आना है कि its own आना है? Yes, its own. In a protective shell of its own. ज़रा देर तो plural क्लियर रहा था तो D was the answer. 97 में आते हैं. He could trust no one but an old conductor of the Royal Orchestra, who at last he sent to Sir Charles Harrington to say crave British protection for the Emperor. Okay, अब उसमें सब गौर कीजिएगा तो हमारे पास इधर हु लगा हुआ है जो कि रॉन्ग आंसर है. बीटा मतलब हमारा आंसर बनना है. उसकी रीजन कि हु तब लगता है जब सब्जेक्ट मिसिंग हो. आपने देखना है अगले वाले पार्ट को तो अगले वाले पार्ट में देखें तो सब्जेक्ट तो मौजूद है तो whom लगता होता है जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो. मतलब अगले जुमले का ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो अगले जुमले देखें ही सेंट टू चार्ल्स हैरिंगटन. ठीक है जी, whom ही सेंट टू चार्ल्स हैरिंगटन तो किसको भेजा था? जिसको भेजा था चार्ल्स हैरिंगटन को वो बनता मिसिंग है. तो इट मीन्स टू से कि हमारा यहाँ whom आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट मिसिंग था. 98 पे आ जाते हैं. Ali was concerned when the teacher. अब ही से एक चीज क्लियर नहीं हुई कि ही ज़ाहिर है किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आया है तो ही यहाँ तो टीचर के लिए आया है या ही फिर अली के लिए आया. तो अगर तो ही दोनों के लिए आया है तो तब भी एक कंफ्यूज मीनिंग बन रहा है कि जी कौन था ही अली है कि ही टीचर है. ही डिड नॉट नो द होमवर्क असाइनमेंट. गौर करें, टीचर ने कॉल किया, क्या पता पूछना हो कि अच्छा कल के क्या असाइनमेंट है. तो ही को असाइनमेंट का नहीं पता था, टीचर को नहीं पता था, अली को नहीं पता था, नो वन नोस. तो ही जो है वो एम्बिगिटी पैदा कर रहा है. और अगर प्रोनाउन एम्बिगस हो जाए, क्लियर ना हो कि वो किस नाउन की जगह पर आया तो बेटर है वो प्रोनाउन ना यूज ही ना किया जाए. आप इधर यूज करें अली, अली ज्यादा बेटर है कि अली डिड नॉट नो द होमवर्क असाइनमेंट या टीचर डिड नॉट नो द होमवर्क असाइनमेंट. देखो टीचर ने कॉल करके पूछा होगा असाइनमेंट का. 99 पे आ जाते हैं. हमारे पास एंजाइम्स है सब्जेक्ट. एंजाइम्स एनेबल द स्मॉलेस्ट वायरस टू एंटर सेल्स इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस देमसेल्स. रिप्रोड्यूस किसने होना है, एंजाइम्स ने कि वायरस ने? यस, रिप्रोड्यूस वायरस होते हैं, एंजाइम्स तो नहीं होते. तो इनेबल द स्मॉलेस्ट वायरस टू एंटर सेल्स, और एंटर सेल होकर वो क्या करता है, इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस इट सेल्फ. वायरस सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, टू रिप्रोड्यूस इट सेल्फ. द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द अक्यूज शुड बी रिमूव. याद रखिएगा आयरन लोहा तो ना मुलजिम का हटाया जाना, तो मुलजिम की हथकड़ी हटाई जानी है, हैंड कफ्स जिन्हें कहते हैं. तो हथकड़ी के मीनिंग में आयरन नहीं होता स्टूडेंट्स, आयरन होता है. अच्छा, हम देख रहे थे नाउन के टेबल में बहुत सारे वर्ड्स थे, जैसे आप देख रहे थे सीजर्स, पेंट्स, पेंथलोन्स, टोंग्स, बैनेकलर्स, वो सारे दो पार्ट्स रखते हैं और यूजली ये दो पार्ट्स वाले प्लूरल स्ट्रक्चर ही रखते होते हैं अपने. नेक्स्ट आ जाते हैं 101 पे. Whoever was present could see that Ali is sister-in-law's. याद रखिएगा ये जो प्रेपोजिशन से जितने भी हमारे नाउन बनते हैं कंपाउंड नाउन्स, इनमें पहला वर्ड प्लूरल होना होता है. सिस्टर्स इन लॉ होगा, सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ. ब्रदर्स इन लॉ बहनोई या जो साले हैं वो ब्रदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ. तो हमें पहले वर्ड को प्लूरल करना है, दूसरे को नहीं. हाँ, अगर अकेला है तो इन लॉज हम जो है वो ससुराल के लिए यूज कर लेते हैं. 102 देखिएगा. विमेन आफ्टर विमेन, नो, वुमेन आफ्टर वुमेन आना है. जब भी प्रेपोजिशन की दो साइड पर दो नाउन्स मौजूद हों तो हम वो सिंगुलर स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, हम प्लूरल स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते. जैसे आपने सुना होगा डे बाय डे, होगा डे बाय डे,
वीक बाय वीक, ठीक है जी, मैन आफ्टर मैन, तो डेज बाय डेज कभी नहीं सुना होगा। प्रेपोजिशन है, दो नाउन्स मिला रही है अपनी दोनों साइड पर, तो वो दोनों सिंगुलर होंगे। नेक्स्ट आते हैं जी 103 पे, विमेन हु वर्क्स, तो नहीं आना, वर्क आना है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया जो वर्क्स लगा हुआ था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आर हैप्पियर देन ए विमेन, अब हमने देखना है आर हैप्पियर देन हु डोंट वर्क, आर हैप्पियर देन विमेन, ये तो खैर ले ही नहीं सकते, लाइन बीटा वाले में तो पहली गलती आ गई है। आर हैप्पियर देन द विमेन विच, विच आपको पता है नॉन लिविंग के साथ है, हु ह्यूमंस या लार्ज साइज एनिमल्स के साथ, और होम भी, विच नॉन लिविंग या स्मॉलर साइज एनिमल्स के साथ, और दैट लिविंग नॉन लिविंग, तो विच तो नहीं आ सकता। अब हमारे पास यहाँ तो आना था विमेन हु वर्क आर हैप्पियर देन हु डोंट वर्क या देन विमेन हु डोंट वर्क, हमें एक चीज लगानी थी। याद रखिएगा यहाँ हु नहीं आ पाएगा, हु यहाँ तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सवाल पूछता है, या हु आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसी नाउन के बाद आकर उसको रिलेट करता है, तो यहाँ जो हु है वो जिस नाउन को रिलेट करना था वो नाउन इसके साथ नहीं है। पिछला जो विमेन है उसका तो हु आ गया, विमेन हु वर्क आर हैप्पियर देन हु डोंट, ये हु कौन है, क्या ये हु वो मेल है जो काम नहीं करते, हम कहते हैं जी विमेन हु वर्क आर हैप्पियर देन द मैन हु डोंट वर्क देन द बॉयज हु डोंट वर्क, हमें क्लियर ही नहीं हो रहा कि यू हु है कौन, इसलिए हमें क्लैरिटी की खातर यहाँ विमेन दोबारा लिखना पड़ेगा कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस नाउन को हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिस नाउन को रिलेट करेगा उससे पहले, उसके बाद आएगा ही आएगा रिलेट करने के लिए। दे ऑब्जेक्टेड टू देम, दे ऑब्जेक्टेड, दे देमसेल्फ ऑब्जेक्टिव टू देम टॉकिंग, दे ऑब्जेक्टेड टू देयर टॉकिंग, तो आंसर है जी देयर टॉकिंग। एक चीज स्टूडेंट्स याद रखनी है, मैं आपको समझाता हूं, जब भी आपको जुमले में जेरंड मिले, जेरंड का तो आपको पता है ना आईएनजी फॉर्म होती है, तो जब भी आपको जुमले में जेरंड बने और उसके साथ कोई प्रोनाउन लगाना मकसूद हो, तो हमेशा आपने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है, और पोजेसिव एडजेक्टिव आपको पता ही है कि आप लोगों के बेसिकली जो माय आवर यूर देयर हीज हिम हर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, माय माइन नहीं, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, कल हमने पढ़ा था, माय पोजेसिव एडजेक्टिव है, हीज पोजेसिव एडजेक्टिव है, हर पोजेसिव एडजेक्टिव है, हर पोजेसिव एडजेक्टिव है, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो गौर कीजिएगा जेरंड आ जाए तो उससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आना है, तो देयर टॉकिंग, जैसे मैं कह दूं माय फादर डिसलाइक्स मी गोइंग टू सिनेमा, नहीं आप कहेंगे जी डिसलाइक्स आ गया, मैं मी लगा दूं आगे, नहीं आगे गोइंग जो आ गया जेरंड आ गया, तो डिसलाइक्स माय गोइंग टू सिनेमा, डिसलाइक्स मी नहीं, मुझे नहीं नापसंद करते, मेरा सिनेमा जाना नापसंद करते, तो जेरंड के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके 105 ही अप्लाइड हिमसेल्फ टू हिज वर्क, याद रखिएगा ये जो काफी सारे वर्ड्स हैं आपका सेकंड लास्ट रूल है प्रोनाउन का, अगर आप उस टेबल को पढ़ें तो आपका जो अवेल है, आपका जो अवेंज है, आपका एग्जर्ट है, आपका अप्लाई करना जो है, ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ वाला प्रोनाउन जरूर देते हैं, तो अप्लाइड हिमसेल्फ और अप्लाई के साथ इस सूरत में प्रेपोजिशन भी टू आनी है, जो जाहिर है बीटा और चार्ली में आपको नजर, डेल्टा में नजर नहीं आ रही, तो चार्ली इज आवर करेक्ट, लगा के काम पर लगाया। जरा सिक्स में देखें, यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग द फार्मूला, दो अल्फा बीटा में फार्मूला है और चार डेल्टा में देखें उसका प्लूरल फार्मूला है, तो अगर तो फार्मूला लेना है तो गवर्न्स इट बीटा, और अगर फार्मूलाए लेना है तो गवर्न इट डेल्टा, लेकिन हमने फार्मूलाए क्यों लिया, क्योंकि देखें यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स, आपको पूरी फिजिक्स मास्टर करनी है, तो क्या आपको फिजिक्स का एक फार्मूला सीखना है कि ज़्यादा फार्मूले सीखने, यस आपको फिजिक्स के ज़्यादा फार्मूले सीखने, तो यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग दी फार्मूलाए दैट गवर्न्स इट, मतलब उन फार्मूलाज को, फार्मूलाज भी याद रखिए यूज किया जाता है, फार्मूला फार्मूलाए या फार्मूलाज भी प्लूरल आ जाती है, तो ज्यादा फार्मूला होते हैं, एक फार्मूला में तो फिजिक्स से मास्टर नहीं होती, तो गवर्न इट, यस डेल्टा इज द आंसर। 107 पे आ जाते हैं, द
107 of the manager ordered the watchman to let the boys and I के boys and me. देखिए let आपका हमने पढ़ा है कल प्रोनाउन में कि let के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है. let वही नहीं होता, let us होता है. तो let the boys and, देखो boys तो noun है, noun का तो सब्जेक्टिव भी केस boys है, ऑब्जेक्टिव भी boys है. boys noun को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन me को तो फर्क पड़ेगा ना. let boys and me go in after the request we made. लेकिन अब हमें एक और फैसला करना पड़ेगा कि मी जो है वो तो बीटा में भी था, लेकिन बीटा में देखिए द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन आफ्टर द रिक्वेस्ट दे मेड. वर्कर क्या लिखा हुआ है, दे मेड. हमें लेकिन क्या लेके आना था यहाँ, यस वी मेड. उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जुमले में हमारे पास मी मौजूद है, फर्स्ट पर्सन मौजूद है, और अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद हो तो लाजमी तौर पर उसको ही प्रेफरेंस देनी है. सेकंड पर्सन मौजूद हो फर्स्ट के साथ तो तब भी फर्स्ट को प्रेफरेंस देनी है. मन द फर्स्ट किसी के साथ भी आ जाए, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फर्स्ट को प्रेफरेंस देनी है. तो मी को देखकर हम, देखो मैं हूँ और साथ मेरे ही है लड़के हैं, तो मैं उन सारे लड़कों को मिला के कहूँगा हम. हाँ अगर फर्स्ट पर्सन ना होता, यू होता, मतलब सेकंड पर्सन जिसको हम कहते हैं, तो यू के साथ अगर बॉयज आ जाता तो यू को प्रेफरेंस देते. लेट द बॉयज एंड यू, लेट द बॉयज एंड यू गो इन आफ्टर द रिक्वेस्ट यू मेड. देखो फिर यू मेरे सामने खड़ा है, बॉयज तो मैं कोई और जिनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं यू को बात कर रहा हूँ ना, तो यू को कहूंगा कि रिक्वेस्ट द बॉयज एंड यू, वो कह रहा था बॉयज एंड यू गो इन आफ्टर द रिक्वेस्ट यू मेड. यू मतलब यू पीपल, जो तुम सब ने की है. तो फर्स्ट पर्सन के साथ कोई भी सेकंड या थर्ड आए तो फर्स्ट पर्सन के मुताबिक प्लूरल लगेगा, और सेकंड पर्सन के साथ अगर थर्ड पर्सन आ जाए, हाँ अगर सेकंड पर्सन के साथ भी फर्स्ट पर्सन है तो तब भी प्रेफरेंस फर्स्ट पर्सन की है, सेकंड के साथ थर्ड आ जाए तो फिर सेकंड की प्रेफरेंस है. अ मटीरियल नाउन इज ऑलवेज अनकाउंटेबल एंड कंक्रीट. ये तो क्लियर है, मटीरियल है ना तो जाहिर है, एक तो मटीरियल नाउन हमने पढ़ा था काउंट नहीं होते, और दूसरे से कंक्रीट है. एन एंटीसीडेंट रेफर्स टू एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट वो वर्ड है जिसकी जगह पर कोई प्रोनाउन आए. देखो एंटीसीडेंट की जगह पर प्रोनाउन आता है, जैसे मैं कहता हूँ असलम इज अ गुड बॉय, ही लिव्स नियर टू माय हाउस, तो ही प्रोनाउन है, और ही का एंटीसीडेंट कौन है, असलम, जिसकी जगह पर वो आया. तो जो एंटीसीडेंट है वो नाउन प्रोनाउन से क्या आता है, यस बिफोर, नाउन प्रोनाउन बिफोर इट, वो अपने प्रोनाउन से पहले आता है, अपने प्रोनाउन के बाद नहीं आता, ठीक है जी. और नेक्स्ट आते हैं वेरी फ्यू, आई कॉल्ड द वेरी फ्यू बट मैनी, द पीपल हु गैदर्ड आर मैनी. तो फ्यू किस को शो कर रहा है, सारे फ्यू काउंटिंग को शो कर रहा है, तो न्यूमरल प्रोनाउन है. इनडेफिनेट प्रोनाउन भी एक तरह से ये, लेकिन सारे हम अगर स्पेसिफिक कैटेगरी बात करें तो ये स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स को शो कर रहा है कि कुछ लोगों को बुलाया था, कुछ तादाद को बुलाया था, तो चूंकि तादाद को दे रहा है तो न्यूमरल. हाँ इनडेफिनेट भी है एक तरह से, क्योंकि गैर मखसूस की बात कर रहा है, मखसूस लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि सब कैटेगरी या स्पेसिफिक कैटेगरीज की जो है वो न्यूमरल है, जिससे ये डायरेक्ट बिलोंग करते थे. न्यूमरल आप कह लें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन की भी कैटेगरी है, तो बेटर है कि आप न्यूमरल प्रोनाउन को ही आंसर लगाएं बजाय कि इंडेफिनिट प्रोनाउन की. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.